हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो सीरीज़ आपके सामने आने वाला है, लगातार 5 दिनों तक मैं ये चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इनमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जो पेपर है, जो कि RGPP विटेक्स थर्ड सेमेस्टर जो CS ब्रांच के स्टूडेंट है, बेसिकली उनके लिए ये डिज़ाइन है। और बेसिकली इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से अपने हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कितना वक्त किस सब्जेक्ट पर आपको देना है, जिससे आपका जो सेमेस्टर है वो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज की भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगी। तो इस वीडियो आप अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीजें, सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, आज हम लोग जो सब्जेक्ट है आपका, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी पढ़ना होता है, अभी करंट में जो RGPP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जो CS ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है, जो कि मॉड्यूल 1 है, इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो कि आपका एनर्जी साइंस का। तो बेसिकली जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी और आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपको जो आपका मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में ही आपको पेपर लिखना है RGPP में, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको किसी प्रकार के झांसे में नहीं पढ़ना है कि हिंदी में भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में लिख के आए थे सेकेंड सेमेस्टर का पेपर और उनका वो पेपर बैक गया है। तो बिल्कुल यहाँ तक आपको बात समझ में आई होंगी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने शेड्यूल को तैयार करना है, डेली बेसिस पे आपको रूटीन बनाना होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो वक्त बहुत कम है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस चीज़ को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो आपको जैसे कि मॉड्यूल 1 दिया हुआ है, तो आपको मॉड्यूल 1 को उठाना है और आपको टारगेट लेना है कि हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर इस एक मॉड्यूल को क्या करना है, कम्प्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक यूनिट को, एक मॉड्यूल को एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करना है। उसमें लिखने का प्रोसेस हो सकता है, पढ़ने का प्रोसेस होता है, और हो सकता है कि याद करने की प्रोसेस जो है वो आप क्या करें, सुबह में उठ के उसको रिवीजन करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो मेमोरी है थोड़ा सा शार्प हो जाएगा और थोड़ी सी याद करने की कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है जो हम समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें याद करना होता है। तो उन कंडीशन में आप बारी बारी से RGPP नोट्स, प्रॉपर है ही, सारा टॉपिक के थ्रू आपका नोट्स दिया हुआ है, तो आप बेसिकली उन चीज़ों को कवर अप करके अपने एक मॉड्यूल को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह करके आपको मान लीजिए 7 दिन इसमें लगे, 7 दिन इसमें लगे, उसके बाद आपको कितने हो गए, 14, यानी 14 दिन, इसमें 21 दिन और इसमें 28 दिन और यहाँ पे कितना, 35 दिन। ओके, तो यहाँ पे लगभग 35 एंड ये तो थोड़ा सा फील्ड वर्क है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो लगभग 35 डेज में आपका क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। 35 डेज में आपको प्रॉपर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है, पूरी तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, कोई भी उसमें चीज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और एनर्जी एनवायरमेंट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़ा कम समय में इसको ज़्यादा इसको स्कोर किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है नहीं। तो ऐसा नहीं कि कोर सब्जेक्ट नहीं है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, देना है, लेकिन ऐसे ही देना है कि लिमिटेड समय के लिए। ओके, और इससे थ्रू आप 35 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आपके पास जो बाकी के समय बचते हैं उनको आप अपने रिवीजन पे लगाइए। तो आई होप ये सब्जेक्ट का क्लियर आपको डाउट समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिगार्डिंग मैं मैथमेटिक्स का भी, डाटा स्ट्रक्चर का भी, डिजिटल सिस्टम का भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, आई होप ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।